अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा अगर आपके दाढ़ी के बाल सफ़ेद हैं इनको कैसे ठीक करें और ये क्यों होते हैं। मैं ये दो चीज़ें आज इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि जो दाढ़ी के अंदर सफ़ेद बाल आते हैं क्यों आते हैं और इनका इलाज क्या है। मुझे पता है दोस्तों बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी अभी एज 25 साल होती है, 30 साल होती है, लेकिन उनके दाढ़ी के अंदर जो बाल हैं वो वाइट आने शुरू हो जाते हैं, सफ़ेद आने शुरू हो जाते हैं। वहाँ पर दोस्तों लोग अपने आप को अच्छा महसूस नहीं करते, लोग समझते हैं यार दाढ़ी के अंदर सफ़ेद बाल आ चुके हैं, अब लगता है मैं बूढ़ा होने वाला हूं, ऐसे ना खौफ खौफ सा ज़हन के अंदर आने लगता है। लेकिन आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, यहां पर मैं आपको एक होम रेमेडी तरीका नुस्खा समझ लें वो बताऊंगा इंशाल्लाह ताला। अगर आप इस पर अमल करेंगे मैं दावे से बोल सकता हूं 1 हफ्ते के अंदर अंदर ही आपको इसका नतीजा मिल जाएगा। तो अगर आप हमारी वीडियो के अंदर इंटरेस्टेड है, वीडियो को प्लीज काइंडली एंड तक सारा जरूर देखें ताकि मैं जो भी आपको बातें बताऊं वो आप अच्छी तरह से उनको समझ पाए। पहले बात करते हैं दाढ़ी के अंदर सफ़ेद बाल या सर के जो सफ़ेद बाल हैं या दाढ़ी के सफ़ेद बाल हैं ये आते क्यों हैं। ये एक सिंपल सा फंडा है जो मैं आज आपसे शेयर करूंगा। दोस्तों हमारी बॉडी के अंदर एक हार्मोन होता है जो हमारे बालों को काला रखने में मदद देता है, उस हार्मोन को हम बोलते हैं मेलानिन। ये जो मेलानिन हार्मोन है अगर ये कम बनना शुरू हो जाए तो समझ लें आपके बाल काले से सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। ये जो हमारे सफ़ेद बाल आते हैं, चाहे सर के बालों के आते हैं सफ़ेद बाल या दाढ़ी के सफ़ेद बाल आते हैं, इनकी मेन यही है कि आपका जो हार्मोन है मेलानिन ये कम हो गया है। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा अगर आप अपनी दाढ़ी के ऊपर या बालों के ऊपर वो लगाएंगे तो आपका जो हार्मोन है मेलानिन वो बढ़ेगा, जिससे ऑटोमेटिकली आपके जो बाल हैं वो काले हो जाएंगे। आपने क्या करना है, आपने तिल के जो बीज होते हैं, तिल के बीज, सेसमे सीड जिसे हम बोलते हैं, तिल के बीज, वो आपने बीज ले लेने हैं, थोड़े से बीज ले लें, उनको आप पानी के अंदर डाल दें, रात को पानी के अंदर डाल दें और आपने उसको पानी के अंदर ऐसे ही भिगो देना है रात को। जब सुबह हो तो आपने क्या करना है, जिस पानी के अंदर आपने तिल के बीजों को भिगोया था आपने उस पानी में से तिल के बीज निकाल देने हैं और पानी को आपने कुछ भी नहीं करना, पानी वेस्ट है उसको आपने कुछ नहीं करना, वो आप फेंक दें। आपने क्या करना है, आपने जो तिल के बीज हैं पानी के अंदर भिगोए थे आपने उसको निकालना है। उसको निकालने के बाद आपने क्या करना है, आपने उसका पेस्ट बना लेना है। पेस्ट पेस्ट बनाने के बाद उसके अंदर आप कोकोनट का ऑयल डालें, 1 चम्मच डालें या 2 चम्मच डालें कोकोनट का ऑयल, नारियल का तेल उस पेस्ट के अंदर डालकर अच्छी तरह से उसका एक पेस्ट बना लें। अब दोस्तों आपने क्या करना है, अगर आपके बाल दाढ़ी के सफ़ेद हैं आपने थोड़ा सा पेस्ट लेना है, उस पेस्ट को आपने दाढ़ी के ऊपर मलना है। इस तरह मलें कि दाढ़ी की जो जड़ है जहाँ पर बाल उगे हुए हैं वहाँ तक वो पेस्ट लगे। इसी तरह अगर आपके सर के बाल सफ़ेद हैं तो आपने क्या करना है, आपने उसी पेस्ट को अपने सर के बालों के ऊपर लगाना है। इस तरह लगाना है कि वो जो पेस्ट है वो आपकी जड़ों के अंदर जाए, नीचे जाए, बालों के बिल्कुल जड़ के नीचे जाकर वो पेस्ट लगे इंशाल्लाह ताला। अगर आप ऐसा करेंगे, चाहे आपके सर के बाल सफ़ेद हैं चाहे आपके दाढ़ी के बाल सफ़ेद, अपने सिंपल ये फंडा जो मैंने आपको बताया है इस पर अमल करना है। ये जो तिल के बीज होते हैं ये आपके मेलानिन हार्मोन को बढ़ा देते हैं, जैसा कि मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, ये जो मेलानिन हार्मोन है ये आपके बालों को काला करने में मदद देता है। अगर आपके बाल सफ़ेद हैं तो अगर मेलानिन हार्मोन बढ़ जाएगा तो आपके बाल ऑटोमेटिकली ब्लैक होने शुरू हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह ताला आप तिल के बीजों को लगाएं जैसे मैंने तरीका बताया है, जो भी फंडा मैंने आपको बताया है उस पर अमल करें, इंशाल्लाह ताला मैं दावे से बोल सकता हूँ 1 हफ्ता 2 हफ्ते के अंदर अंदर ही आपको इसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मज़ीद ऐसी अच्छी वीडियोस देखने के लिए घंटी को ज़रूर दबा लें ताकि मैं जो भी ऐसी अच्छी वीडियोस बनाऊं वो नोटिफिकेशन के जरिए आप तक पहुंच जाएं और आप मेरे वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, फेसबुक पर उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, वहाँ पर मुझे पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल है तो इंशाल्लाह ताला मैं उसका जवाब भी आपको दे दूँगा वीडियो के थ्रू। तो मिलेंगे कल, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।